गाजा में इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि इसराइल की सेना गाजा में घुसने की तैयारी कर चुकी है और वहां नया सिक्योरिटी जोन बनाने में जुटी है। इसकी शुरुआत कुछ घंटों पहले हो चुकी है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि इसराइल की सेना गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन के पहले चरण में विस्फोट और वहाँ रोक टोक हटाकर पूरे फ्रंटियर में बफर जोन बना रही है। यही नहीं, इस बफर जोन से गाजा के लोगों को दूर रखा गया है। गाजा के निवासी अब बॉर्डर एरिया में नहीं पहुँच पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के लोगों को इसके आसपास आने की इजाजत नहीं दी गई है। बफर जोन यहां पर बनाया जा रहा है गाजा की सीमा के अंदर। इसराइल की ये बड़ी तैयारी है, गाजा में नया सिक्योरिटी जोन इसराइल की तरफ से बनाया जा रहा है, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि जमीनी हमले की वहां तैयारी शुरू कर दी गई है। और युद्ध के दो मोर्चे पर न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है। लेबनान, जिसे हिजबुल्ला का गढ़ कहा जाता है, वहां पहुंचने वाला न्यूज 18 इंडिया पहला भारतीय न्यूज चैनल है। लेबनान की राजधानी बेरूत से जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसराइल से भी हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले हम नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आप बताइए, क्योंकि आप वहां पर जंग के मैदान में मौजूद हैं, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम जो बॉर्डर एरिया है वहाँ आम लोगों के जाने की मनाही है। तमाम शहरों को खाली कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग होलित किबुज यानी होलित गांव जा रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग हैं। हम लोग को वहाँ खुद की गाड़ी से जाने की इजाज़त नहीं। आपको गंभीरता का अंदाज़ा, संवेदनशीलता का अंदाज़ा लगेगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया जैसे देशों से अलग अलग पत्रकार यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें आर्मी के लोग अपनी सुरक्षा में लेकर जा रहे हैं। आपको सड़कों पे जो गाड़ियाँ दिखती हैं, ये मत समझिएगा कि ये आम लोगों की गाड़ियाँ हैं। दरअसल ये लोग ज़्यादातर ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो रिजर्व फोर्स के जवान होते हैं, जो आर्मी में सेवा देने या देकर आते हैं। युद्ध की तैयारी पूरी तरह से है। ग्राउंड इन्वेजन कल भी आपने देखा होगा कि एक बड़ा रेड किया था इसराइल की सेना ने अंदर जाकर, लेकिन लौट आए हैं। दरअसल उत्तर गाजा में तैयारी है कि वो आने वाले वक्त के लिए बड़े हमले से पहले हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल, उनके आतंकवादियों को ध्वस्त कर दे। इसीलिए तमाम जो बॉर्डर के टाउन है, गांव है, उनके लोगों को घर के अंदर रहने को कहा गया है। हम अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन हम लोग भी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं जहाँ 7 अक्टूबर को 11 लोगों की हत्या की थी हमास के आतंकियों ने। नीरज, आपका भी रुख करेंगे दोबारा से। हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़े, उनका भी, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन नीरज, जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, अब जमीनी हमले की तैयारी है और यहां से युद्ध एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहा है। 20 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं, क्या अब ये और भी ज्यादा भीषण होने की कगार पर दिखाई देता है? जी, सवाल दोहरे नीरज, यहां से युद्ध के दूसरे चरण की यहां से शुरुआत हो रही है। 20 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। अब तक एयर स्ट्राइक की जा रही थी, लेकिन अब जमीनी हमला होगा, क्या ये और भी ज्यादा भीषण होने वाला है? देखिए, जमीन से अभी भी हमला हो रहा है, लगातार बॉर्डर एरिया से हमले हो रहे हैं, लेकिन जमीन के अंदर घुसकर भी हमला हुआ है। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन तब माना जाता है कि जब आप अंदर प्रवेश करते हैं और उस एरिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कल भी रात को सेना घुसी थी वहाँ, कई टैंक गए थे, हमने तो स्ट्राइकर देखे सड़कों पे जो अमेरिका से इसराइल तक पहुँचा है। वैसे बड़े बड़े ऐसे आर्मरी के व्हीकल घुसे थे, टैंक हो, तोप हो, बख्तरबंद गाड़ियाँ हो, उन्होंने घुसकर हमला किया, लेकिन वो फिर वापस लौट गए क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि अब एक जवान की भी जान जाए। इसीलिए पहले उन्होंने उत्तर गाजा में घुसा, वहाँ जाकर हमला किया, आतंकवादियों के कैंप, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा, कई टनल को ध्वस्त किया, जहाँ उनके ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और फिर वहाँ से लौट आए। ओवरनाइट ऑपरेशन था और एक तो वीडियो में हमें दिख रहा है कि कैसे अधिकारी बार बार अपने सेना के जवानों को, टैंक जो चला रहे, उन्हें ये निर्देशित कर रहे हैं कि स्लोली, ध्यान से, आराम से आगे बढ़िए, हमला कीजिए और हर टारगेट को ध्वस्त कीजिए। इस तरह के दिशा निर्देश देते हुए दिख रहे हैं आर्मी के जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी है। इस तरह का वीडियो भी हम तक पहुंचा है IDF की तरफ से। तो बहुत गंभीर और संवेदनशील माहौल है यहाँ। हमने बताया कि आपको हर घर से कोई ना कोई सेना में है, हर घर से, जो लोग आपको कई बार समंदर के तटों पे तेल अवीव में दिखेंगे, पता चला कि वो उनकी 12 बजे से ड्यूटी होगी सेना में। इस तरह की स्थिति है यहाँ। यहाँ हर घर से हर किसी का कोई ना कोई सेना में है
5 लाख 1 करोड़ की जनसंख्या में आप समझ सकती हैं कि अगर 5 लोग सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो ये परसेंटेज 5% है सेना में सेवा देने वालों का, जबकि इससे भी ज़्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो सेना की ट्रेनिंग करके बैठे हैं और कभी भी खुद से सेना में जा सकते हैं। बिल्कुल नीरज, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि जंग भीषण होती जा रही है, लेकिन इसराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो हमास ने जमीन के नीचे सुरंगें बना रखी हैं। मैं नीरज आपको रोकूंगी, जावेद हमारे सहयोगी लेबनान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, आप लेबनान में मौजूद हैं, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? जावेद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जावेद, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, क्या स्थिति है? आप अगर कैमरे के जरिए, तस्वीरों के जरिए हमें बता सके, दर्शकों को समझा सके। देखिए, हमारी मौजूदगी लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत वो जगह है जहां अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन यहां से करीब 120 किलोमीटर दूर दक्षिणी इलाका है, वो सरहदी इलाका हम कह सकते हैं, जहां पर लगातार हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जंग हो रही है। लेकिन बेरूत भी इस हमले की आज से, इस हमले की लपटों से अछूता नहीं है, विरोध लगातार यहाँ पर हो रहा है। हम बेरूत के एक इलाके में मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखिए, कैफे की आपको दीवार दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ मैकडी को निशाना यहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने बनाया था। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी पर भी अटैक किया गया था,